أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. We have completed the salient features of all the five kingdoms, and now we are up to detailed study of the kingdom Manira. Kingdom Manira is the simplest of all the kingdoms. It is the kingdom of organisms which are unicellular and prokaryotic. Basically, all the prokaryotic organisms are unicellular. That is the kingdom of prokaryotes. Simplest and most primitive organisms are basically found in kingdom Manira. This kingdom Manira actually comprises of main two groups. One is Archaebacteria and one is Eubacteria. We are here actually dealing with Eubacteria. Now, Eubacteria has several phyla, or we can say sub groups, and most important among them is the bacteria, जिनको हमें actually study करना है detail में, क्योंकि बहुत कम variations मनीरनस में आपस में दिखाई देती है जो इनमें groups है. इसलिए अगर हम एक group को study करेंगे तो it will actually cover all the organisms of the kingdom, क्योंकि बहुत कम variation इनमें है. इतने simple है कि एक से दूसरे group में बहुत कम variation हमें मिल जाती है. तो bacteria इसमें आ जाते हैं, इसमें mycoplasma आते हैं, ये groups है या ग्रुप्स है जो कि हमें यू बैक्टीरिया में नजर आ जाएंगे. ठीक है, इसमें रिकेटिया आ जाते हैं, इसमें एक्टिनोमाइसिटीज आ जाते हैं, इसमें बिल्यू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया वो आ जाते हैं, एक्सेट्रा. ये मेजर ग्रुप्स है ऑर्गेनिजम्स के जो कि यू बैक्टीरिया में एक्चुअली आते हैं, और हमें इन्हीं को एक्चुअली स्टडी करना है. तो चूंकि मैंने आपको बताया हम इसमें से एक ग्रुप ले लेंगे जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया का, इनका डिटेल स्टडी हम देखेंगे, और इससे हमें एक्चुअली सारे ग्रुप को स्टडी करने में मदद मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत कम वेरिएशन इन ग्रुप्स में हमें मिल जाती है. तो एक्चुअली अब हम किंगडम मनीरा का डिटेल स्टडी जब हम देखेंगे तो बैक्टीरिया को स्टडी करके देखेंगे. ओके, तो बैक्टीरिया जो है ये अगर हम देखेंगे ये नाम जो है कैसे आया है, जो है कैसे आया, इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे. तो एक्चुअली ये ऑर्गेनिजम्स है जिनकी डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है एक डच मर्चेंट को. मैचवर वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है जिनका नाम लेविन हॉक है. लेविन हॉक ने डिस्कवर किया है बैक्टीरिया को इन द ईयर 1676. इसमें स्लाइड वेरिएशन है, कहीं की 1675 लिखा है. बहरहाल 1676 में लेविन हॉक ने डिस्कवर किया है ऑर्गेनिजम्स को जिनको हम आज बैक्टीरिया बोलते हैं. स्टोर रेन वाटर सिन ने इसको देखा, और टाटा जो कि धातु पे जमा हो जाता है उसको स्क्रैप करके उन्हें देखा, और इन्होंने एक्चुअली इनको नाम दिया है एनमेलक्यूल्स. इन्हें बैक्टीरिया इनको नाम नहीं दिया है, इन्हें नाम दिया है इनको एनमेलक्यूल्स. वो जो बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स इनको नजर आ गए, इन्हें नाम इनको दिया एनमेलक्यूल्स. और फिर उसके बाद 1828 में, एक्चुअली 1828 में एहरनबर्ग ने इनको नाम दे दिया बैक्टीरिया का. तो बैक्टीरिया नाम जो है डिस्कवरी लेविन हॉक ने की है, लेकिन एक्चुअल नाम जिनसे हम आज इनको जानते हैं वो एहरनबर्ग ने 1828 में इनको दे दिया है. तो ये तो इनकी डिस्कवरी की छोटी सी कहानी थी. उसके बाद सॉरी इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि बैक्टीरिया है क्या. तो डेफिनेशन में अगर हम देखेंगे तो चूंकि हमें पता है मनीरा में आ जाते हैं तो ये प्रोकैरियोटिक होंगे और बेसिकली यूनिसेल्यूलर होंगे. तो बैक्टीरिया जो है दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये इनकी डेफिनेशन बन जाएगी, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं विच आर बेसिकली यूनिसेल्यूलर. तो है ये यूनिसेल्यूलर, वी राइट बेसिकली यूनिसेल्यूलर. ये हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि आगे जब हम इनको डिटेल में देखेंगे तो ये मिलके कॉलोनीज वगैरह बनाते हैं. तो बेसिकली ये यूनिसेल्यूलर ही होते हैं. ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इनकी डेफिनेशन में आ जाएगा, डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल ए. क्लोरोफिल ए इनमें नहीं होता है. ठीक है, दीज आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली यूनिसेल्यूलर, दे आर डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल ए हैज
हैव न्यूक्लियोइड, इनमें न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड हम आगे इसको सेल से देखेंगे। बहरहाल यहाँ आप याद रखेंगे ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है यहाँ, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है इट्स नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स, न्यूक्लियर एनवेलप बाहर से नहीं होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें न्यूक्लियर, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें न्यूक्लियोइड होता है विद अटैच्ड मीसोसोम, इसमें मीसोसोम अटैच होता है विद अटैच्ड मीसोसोम। मीसोसोम भी आप ऐसे याद रखेंगे वर्ड, ये आगे दिल में आ जाएगा ये क्या होता है, इन ग्रोथ होता है एक्चुअली मेम्ब्रेन का। बहरहाल डिवीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें अटैच्ड मीसोसोम होता है, और इसकी पहचान एक और चीज से आप कर सकते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय दी प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकॉन सेल वॉल, तो ये बन जाएगी डेफिनेशन इसकी, यही मेन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है और यही इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी। तो बैक्टीरिया दीज आर बेसिकली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर यूनिसेल्यूलर बेसिकली, दे आर डिवाइड ऑफ क्लोरोफिल ए, दे हैव न्यूक्लियोइड, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, दे हैव गॉट अ स्पेशल स्ट्रक्चर व्हाट्स नोन एज मीसोसोम, ठीक है, विच इज अटैच्ड विद द न्यूक्लियोइड, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज दे हैव गॉट द सेल वॉल बट दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का नेचर भी आगे आ जाएगा जब हम सेल का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का देखेंगे, फिर हम वहां देखेंगे किसका बना हुआ है। तो इस बुनियाद पे ये बैक्टीरिया जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन में लीनियस ने रखे थे कि इनमें सेल वॉल होता है, लेकिन अब हम देखते हैं इनमें सेल वॉल है, लेकिन प्लांट सेल का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का होता है, ये पेप्टाइडो ग्लाइकॉन का बना होता है। बहरहाल ये इसकी डेफिनेशन है जो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन के बाद हम आ जाते हैं इसकी ऑकरेंस पे, बैक्टीरिया आपको कहां मिल सकते हैं, ठीक है। क्या जो हमने साइलेंट फीचर्स पढ़े हैं किंगडम मोनीर आपके, वहां हमने देखा कि ये मोनीरनस जो है ये यूबिक्यूटस होते हैं इन नेचर, और मेन ग्रुप इनमें यही बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को आप कहां देख सकते हैं, आप कहेंगे दीज आर यूबिक्यूटस इन नेचर, ये आपको हर जगह नजर आ जाते हैं, यूबिक्यूटस है इन नेचर। बल्कि आप याद रखेंगे जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर आपको देखेगा, जहां ऑर्गेनिक मैटर है वहां पर आपको बैक्टीरिया नजर आ जाएंगे। इसका मतलब है एनी हैबिटेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल बैक्टीरिया कैन बी फाउंड देयर, वहां आप बैक्टीरिया को देख सकते हैं। यानी आप इनको नॉर्मल सॉइल में देख सकते हैं, आप इनको स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे देख सकते हैं, आप इनको सॉइल से बहुत नीचे देख सकते हैं, हॉट से स्प्रिंग्स में देख सकते हैं, ऑयल स्पिल्स पे देख सकते हैं, ठीक है, ऑन द ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं, एनी हैबिटेट वेयर एवर यू कैन से लाइफ इज पॉसिबल, या जहां आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर नजर आ जाएगा वहां आपको बैक्टीरिया भी नजर आ जाएंगे। तो ऐसा ऑलमोस्ट कोई हैबिटेट नहीं है जहां आपको बैक्टीरिया नजर नहीं आ जाएंगे। तो ये यूबिक्यूटस होते हैं इन दी नेचर, ये इनका ऑकरेंस है। फिर इसके बाद एक और चीज की हम बात करेंगे, एंड दैट इज साइज, इनके साइज की बात करेंगे। है अगर हम नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे सबसे छोटे यही बैक्टीरिया आ जाते हैं, हाँ इनसे छोटे वायरस है, लेकिन चूंकि वो कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स नहीं है, दे आर एट द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, उनके बारे में भी आगे उनका स्टेटस हमें देखना है, लेकिन उनको छोड़ के अगर हम ट्रू ऑर्गेनिजम्स में सबसे छोटे देखेंगे तो ये बैक्टीरिया हमको सबसे छोटे नजर आ जाएंगे। इनका जो साइज आप देखेंगे ये यूजुअली 1.5 to 2.6 माइक्रोमीटर्स तक हो सकता है, इनका जो एवरेज साइज होता है, एवरेज साइज कैन बी लाइक दिस, यानी बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ये यूनिट माइक्रोमीटर ये क्या होता है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको ऐसे समझेंगे, एक सेंटीमीटर जो है उसमें 10 मिलीमीटर्स होते हैं, यानी एक सेंटीमीटर के अगर हम 10 हिस्से करेंगे तो वो जो 10वां हिस्सा है वो 1 मिलीमीटर बन जाएगा, और 1 मिलीमीटर के अगर 1000 हिस्से करेंगे, 1000th part of a millimeter, वो बन जाता है माइक्रोमीटर, 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा जो है वो माइक्रोमीटर बन जाता है। तो बहुत छोटा साइज जो है इनका, हाँ ये एवरेज साइज इनका, इनसे हम ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया उनको छोटा भी देख सकते हैं, इनसे जो कि छोटे ऑर्गन सबसे छोटे बैक्टीरिया है, इनसे बड़ा भी देख सकते हैं जो कि बड़े बैक्टीरिया है, लेकिन ये इनका
एवरी साइज से, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन था अबाउट दी बैक्टीरिया, ठीक। इसके बाद हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले शेप आ जाएगी, सेल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, बाकी सारे फीचर्स इनके जो है वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू।